अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं इस वक्त लाइब्रेरी में और मैं यहां हूं कुछ टाइम के लिए फॉर रिसर्च ट्रेनिंगशिप। और मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को लाइब्रेरी की सिटी लाइफ और जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो दिखाए जाएँ। वैसे लाइब्रेरी जो है ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है इधर जर्मनी में। तो चलते हैं, अभी एक दोस्त है उससे कॉन्टेक्ट किया और वो हमें थोड़े बहुत एरिया दिखाएगा अराउंड लाइब्रेरी, और चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, ये मेरा रूम है और अभी आई एम रेडी टू गो आउटसाइड और बाहर चल के आपको व्यू दिखाते हैं सारा एरिया। तो ये है जी मेरे रूम का व्यू, यहाँ से रोड नजर आती है और जनरली ट्रैम चल रही होती हैं और जर्मनी में इस तरह के रूम्स आपको मिल जाते हैं। आप ले सकते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन भी ले सकते हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। तो इस तरह के बेडरूम्स हैं, इसके अलावा तकरीबन सब चीज़ें घर में इक्विप्ड होती हैं, हर चीज़ आपके पास होती है अवेलेबल। ये एंट्रेंस है और ये टू रूम्स हैं, इसके बाद ये किचन है। तो आपको इतना कुछ परचेज नहीं करना पड़ता, आप जस्ट रेंट पे लें और साथ ही आप जो है बस खाने पीने का सामान परचेज करें और आप रह सकते हैं, खुद कुकिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ कुछ टाइम के लिए, अराउंड 2 मंथ्स। तो अब रमज़ान भी आने लगा है तो मैंने सोचा कि फ़ौरन से पहले घूम लिया जाए और अब आपको दिखाते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है, अब हम चलते हैं। जनरली जो है यूरोप पूरे में और इवन लाइप्ज़िग में भी जो पूरी सिटी है वो ओल्ड स्टाइल से ही बनी हुई है, इसी तरह की बिल्डिंग्स हैं, ये वुडन फ्लोरिंग है सारी। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, ये बीच में कुछ कॉमन एरिया होता है जहाँ पे आप अपना गार्बेज वगैरह जो है वो रखते हैं तो वो आगे म्यूनसिपल कमेटी वाले ले जाते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं आस पास भी। तो बाहर चल के आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे ये सारों के बॉक्सेस लगे हुए हैं, मेल बॉक्स, तो आप अपना यहाँ से मेल पिक कर लेते हैं, साइकिल रखनी है तो रख सकते हैं। वैसे ग्राउंड में बैक साइड पे स्टोर भी है जिसमें आप साइकिल वगैरह रख सकते हैं अपनी, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजली यहाँ पे लोग जो है वो साइकिल पे ही ट्रैवल कर रहे होते हैं और कॉन्सेप्ट इस तरह का ही है, यहाँ पे कल्चर यही है। तो ये मैं अभी बिल्कुल घर के बाहर निकला हूँ और ये ट्रैम नंबर 3 जा रही है और ये एक्चुअली सिटी सेंटर से आ रही है ट्रैम इस वक्त। इनका शेड्यूल कुछ इस तरह से होता है कि आफ्टर एवरी 10 मिनट्स जो है ये ट्रैम्स आ रही हैं और डिफरेंट इनके रूट्स हैं। तो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिनमें आप रह सकते हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन। सब कॉन्सेप्ट जो जर्मनी में है वो इसी तरह का है कि इस तरह की बिल्डिंग्स हैं और एक मेन एंट्रेंस है, फिर आगे आपकी अपने अपार्टमेंट की एक एंट्रेंस होती है। तो जैसे और यूरोप के सिटीज़ में कॉन्सेप्ट है कि दरिया शहर के बीच से गुजर रहा होता है, वैसे ही लाइप्ज़िग में भी ऐसा ही है कि मेन रिवर तो गुजर रहा है पर उसकी कुछ ब्रांचेज हैं और ये एक कैनाल है जो कि गुजर रही है बिल्कुल मेरे घर के पास से। तो मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेन स्टॉप पे और दोस्त से बात हुई है, हॉफमनहॉफ जो मेन ट्रेन स्टेशन है उससे, उस पर वहाँ पर उससे मुलाकात होगी और फिर वो हमें आगे लेके चलेगा। तो अभी मार्च का एंड है और यहाँ पे अभी सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं और वेदर काफ़ी चेंज हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, जिसकी वजह से अब यह कि जैकेट तो पहन रहे हैं बट उतनी अब ठंडक नहीं है, दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है और लेकिन कूल ब्रीज है जिसकी वजह से आपको गर्मी फील नहीं होती और रात में ऑफकोर्स ठंडक होती है जिसकी वजह से आपको जैकेट लाजमी पहननी ही पड़ती है। बढ़िया कि अब लोग बाहर निकल रहे हैं, मौसम अच्छा होने की वजह से काफ़ी साइकिलिंग भी स्टार्ट हो गई है और लोग अब इंजॉय कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, ग्राउंड्स में पार्क में काफ़ी चहल पहल अब आपको नज़र आएगी जी। एक जनरली ट्रैम स्टॉप इस तरह के हैं कि हर स्टॉप पे इस तरह से मशीन लगी हुई है, तो मेरी ट्रैम पहुंच गई है। ये एक फेस्टिवल जगह है जहाँ पे नॉर्मल कोई फेस्टिवल चल रहा है आजकल स्प्रिंग का, और इस तरह से ग्रीन बेल्ट जो है वो थ्रू आउट द सिटी है। ये है जी मेन रिवर जो सिटी के को टू हाफ में डिवाइड करता है। तो ये आ गया है जी मेन ट्रेन स्टेशन, ये काफ़ी फेमस है बिकॉज काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी एंशिएंट स्टाइल का बना हुआ है। तो आई थिंक ये जर्मनी का सेकंड
लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन है और आप देख सकते हैं हर वक्त ये क्राउडेड भी रहता है। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। तो ये है जी मेन ट्रेन स्टेशन और यही सिटी सेंटर भी है। यहाँ पे ये मेन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे सीन ये होता है कि जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सारी इधर आके रुकती हैं और चाहे वो जिधर भी जा रही हैं शहर के जिस मर्जी रीजन में, बट वो घूम के यहीं पे आएंगे। तो ये एक उनका कॉमन पॉइंट होता है सारी ट्रेन्स। गाइस विकी इज़ हियर और ये अब हमें एज अ टूरिस्ट गाइड घुमाए भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन ट्रेन स्टेशन, इसकी काफ़ी तारीफें सुनी है, इसी को पहले एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। तो ये एंट्रेंस है और रेलवे स्टेशन के साथ ही बेसिकली मॉल भी है, तो बर्गर किंग वगैरह सब खाने पीने की जगह भी हैं। शॉपिंग मॉल का नाम है वो प्रोमेनाड में। क्या नाम है? प्रोमेनाड। अच्छा, और ये अच्छा प्रोमेनाड, ये नाम है हाफ बना आपका। ठीक है, थ्री फ्लोर पे। थ्री फ्लोर पे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर है, थ्री फ्लोर है। ठीक है। नीचे शॉपिंग मॉल है पूरा और ऊपर रेलवे स्टेशन है। तो ऊपर ट्रेन है, बाहर ट्रेम्स हैं, बसेज हैं और ये अंदर जो है साथ में शॉपिंग मॉल चल रहा है। दो गेट हैं, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में, एक बटन में है, लेकिन वो जो मेन है वो ईस्ट और वेस्ट है। तो ये अंदर ही खाने पीने की जगह भी हैं, मतलब बेकरीज भी हैं, फास्ट फूड भी है और शॉपिंग की भी हैं, क्लोथ वगैरह सब। तब हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन का जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है सारा इन्होंने ओल्ड स्टाइल ही रखा हुआ है, हाँ, हाई रूफ के साथ ना, और जो नीचे है वो बिल्कुल मॉडर्न है। नीचे ऐसे शॉपिंग मॉल है, मतलब जिस तरह हमारे उधर सेंट टॉरस है और पिंडी में वो है गीगा मॉल है। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, 23 है टोटल, बहुत बड़ा है। 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये देखें यहाँ पे ट्रेन लाके रुक रही हैं सारों पे। 1905 या 1903 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसके मेरे ख्याल से 10 या 12 साल बाद ये पूरा कंप्लीट हुआ। सही है, अराउंड मतलब एक डेकेड लग गया इसको कंस्ट्रक्ट होने में। बाकी कंस्ट्रक्शन इसकी जो है आगे चल के देखते हैं और थोड़ा सा। तो काफ़ी बड़ा है ये, मतलब देखें 23 तो इसके सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं और इस तरह से हर एक पे ट्रेन आ रही है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसमें भी ना कई जगहों पे मैंने देखा है पिजन्स नज़र आते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी जो है ना वो हर स्टेशन पे जो है ना पिजन्स आपको नज़र आएंगे। तो आप टिकट्स ट्रेन के आउटसाइड ट्रैम के सिटी के वो कहीं पे भी हर तरह हर जगह मशीन लगी हुई आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ये है जी, और वो सामने है कार पार्किंग। अच्छा, ये एम्प्लॉयज़ की कार पार्किंग है और जो बाहर है वो बेसिकली पब्लिक के लिए कार पार्किंग है। तो ठीक है जी, ये हमने देख लिया, अब हम चलते हैं आगे सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके दो स्टेशन अंडरग्राउंड भी हैं, बाकी सारे ये हमें ओपन नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, नहीं अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है और कॉलेज सिटीज़ में आती है लेब्जिक, तो इसलिए काफ़ी इनका ना हिस्टोरिकल टाइप है सिटी है। तो ये कोविड सेंटर भी बना हुआ अंदर ही, और ये है जी इसकी लुक। ये है जी वेस्ट एंट्रेंस। तो ये है जी, हम सेंटर पहुंच गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये वॉल पे क्या हो रही है, ग्रैफिटी है। बहुत कॉमन है ग्रैफिटी और मिनी बर्लिन भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये जो है ना मिनी बर्लिन भी कहलाते हैं, इस वजह से कि ये जो इन्होंने वॉल पे क्राफ्टिंग की हुई है। सामने जो है लास्ट का मेन शॉपिंग सेंटर है सुपर मॉल। अच्छा, सही है, मेन है ये। तो चले अंदर चलते हैं।
इसको हम ओल्ड टाउन कह सकते हैं, डाउन टाउन जैसा। अच्छा, वो साइड पे है, वो कोई चर्च भी आ रही है। और यहाँ एक वक्त में ये जाना जाता है, एक दफ़ा यहाँ कम्युनिज्म के खिलाफ बहुत मुजाहरे हुए थे, इस वजह से ये जो स्क्वायर है जहाँ चर्च, ये बहुत मशहूर है इस हवाले से, डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से। मतलब जितनी भी यूजुअली डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं वो इसी जगह पे ही होती हैं? अब ये देखिए, क्योंकि अब तो खैर होती नहीं है, लेकिन होती है, लेकिन इसकी ये जो शुरू हुई जगह वो इस तरह से हुई थी कि यहाँ वो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, यहाँ पब्लिक आई थी ये जगह। और क्या उससे बड़ा सा टावर दिखा होगा, पनोरामा टावर। अच्छा, क्या नाम है उसका? MTR टावर भी कहते हैं उसको, क्योंकि MTR का ऑफिस भी है। पनोरामा टावर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा लाइफ स्टेज का पनोरामिक व्यू मिलता है। लेकिन ये 70s में ये उन्हीं लाइफ स्टेज के अंडर, 70s या 60s में उन्हीं लाइफ स्टेज के अंडर थी ये बिल्डिंग, के बाद जो है इन्होंने ये प्राइवेटाइज कर दी थी। तो ये लाइफ स्टेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसके पीछे जो टावर। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये फूड स्ट्रीट टाइप है, यहाँ पे ना हाँ। लोग बैठे खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम भी है और पिज्ज़ा भी है, एशियन कुजींस भी हैं, वियतनामी चाइनीज उस टाइप के, इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। तो ये मतलब फूड स्ट्रीट बन गया है, हमारा सदर ही है समझ लो। लेकिन यहाँ ट्रैफिक नहीं है? हाँ, ट्रैफिक नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे सिटी सेंटर के अंदर तो लोग मैक्सिमम ट्रैवल भी या तो साइकिल्स पे कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। तो ये सेंट निकोलस चर्च, ये इधर की काफी फेमस चर्च है। और स्कूटर और साइकिल्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा है यहाँ पे ना, अभी चल रहा है इस वक्त भी, हर जगह पे साइकिल स्टैंड्स भी हैं कि आप साइकिल्स को लॉक कर लें, और आप रेंट पे इस तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली काफी बड़ा कैफे है, और ये जो कैफे है ये यूरोप का ओल्डेस्ट कैफे है फॉर कॉफी, और इसके ऊपर ही म्यूजियम भी है जिसमें फ्री एंट्री है, और एंशिएंट इन्होंने काफ़ी चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं जो कि आप विजिट करके देख सकते हैं, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो ये ओल्डेस्ट कॉफी का कैफे है, मतलब यहाँ से ही कॉफी का कॉन्सेप्ट यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ। टी के दीवाने हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं, मतलब ये टी भी है और कॉफी भी है, और काफी फेमस है। मतलब मानो, मतलब यू कैन सी 1745 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये एलिफेंट की इन्होंने ऊपर एलिफेंट बनाया हुआ है स्टैचू में, और ये है ऊपर देखें तो इसमें आर्ट का भी काम। हाँ, टॉप पे, टॉप पे। इसके अलावा वीकेंड है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं।